फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ओन चैनल सुबह 40। माई सेल्फ प्रतीक्षा गिरी। टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश ग्रामर ऑफ क्लास 3। आज हमारा टॉपिक है द वर्ब। क्या आज हमारा टॉपिक है? द वर्ब, टेंस ऑफ वर्ब। आज हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और टेंस ऑफ वर्ब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब, सम वर्ड्स टेल अस व्हाट अ पर्सन, एन एनिमल और अ थिंग डज, सच वर्ड आर कॉल्ड वर्ब। क्या होता है वर्ब का? वर्ब, सम वर्ड्स टेल अस व्हाट अ पर्सन, एन एनिमल और अ थिंग डज, सच वर्ड आर कॉल्ड वर्ब। बोला क्या गया है? सम वर्ड्स, कुछ वर्ड होता है, टेल अस हम लोग बताते हैं, व्हाट अ पर्सन कि कोई व्यक्ति, एन एनिमल या जानवर और अ थिंग या तो कोई सामान, डज क्या कर रहे हैं, सच वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जो बताते हैं पर्सन को, एनिमल को या थिंग को बताते हैं कि अब वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो हमारा क्या हो जाता है? वर्ब हो जाता है। वर्ब को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी हमारा जो काम होता है वो हमारा क्या हो जाता है? वर्ब होता है। वर्ब को हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया ही से आपको समझ में आ रहा होगा, जो काम किया जाता है वही हो जाता है हमारा क्या? वर्ब हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, द काउ इट्स ग्रास, द काउ इट्स ग्रास। काउ क्या कर रही है? द काउ क्या कर रही है? घास को खा रही है। तो ये क्या काम कर रही है? खाने का काम कर रही है। तो ये इट क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया क्या कर रही है? उड़ने का काम कर रही है। उड़ने का काम कर रही है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? फ्लाई क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब हो जाएगा। द गर्ल रीड, लड़की क्या कर रही है? पढ़ने का काम कर रही है। क्या कर रही है लड़की? पढ़ने का काम कर रही है। तो रीड क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब हो जाएगा। तो जो काम किया जाता है, जो काम करता है, वो क्या हो जाएगा? हमारा वर्ब हो जाता है। क्या लिखा है डेफिनेशन? सम वर्ड्स टेल अस व्हाट अ पर्सन, एन एनिमल और अ थिंग डज। जो कोई पर्सन मतलब व्यक्ति, एन एनिमल कोई जानवर या थिंग जो काम करता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है? वर्ब हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखें, द काउ इट ग्रास, काउ क्या कर रही है? घास खाने का काम कर रही है। द बर्ड फ्लाई, चिड़िया क्या कर रही है? उड़ने का काम कर रही है। द गर्ल रीड, लड़की क्या कर रही है? पढ़ने का काम कर रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टेंस ऑफ वर्ब। टेंस ऑफ वर्ब को भी तीन पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। वर्ब मे बी यूज इन थ्री टेंस में बांटा गया है। पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस। सेकंड क्या है? आपका पास्ट टेंस। थर्ड क्या है? आपका फ्यूचर टेंस। टेंस ऑफ वर्ब मे बी यूज इन थ्री टेंस। टेंस ऑफ वर्ब को भी थ्री पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट टेंस, सेकंड है आपका पास्ट टेंस, थर्ड है आपका फ्यूचर टेंस। चलिए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है। When the verb show present time, it is said to be the present tense. When the verb show present time, it is said to be the present tense. जब verb show मतलब दिखाता है, present time मतलब वर्तमान समय, अभी का समय जब हम बोल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। जैसे आपका इज में क्या होता है? इज, एम, आर का यूज करते हैं हम लोग। किसका यूज करते हैं? इज, एम और आर का। फिर से देखते हैं, व्हेन द वर्ब शो प्रेजेंट टाइम, इट इज सेड टू बी द प्रेजेंट टेंस। जब हम लोग वर्तमान समय की बात करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस में हम लोग इज, एम, आर का यूज देखते हैं। सेकेंड है क्या? आपका पास्ट टेंस। When the verb show past time, it is said to be in the past tense. When the verb show past time, it is said to be in the past tense. Example में आपका was verb। जब हम लोग past की बात करते हैं, जो समय बीत चुका हो, ठीक है, जब जो समय बीत चुका हो तो उसके टाइम हम लोग क्या यूज़ करें? उसको क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस बोलते हैं। हम लोग किसका यूज़ करते हैं? वॉज का यूज़ करते हैं, वर्ब का यूज़ करते हैं, ओके? जैसे मैं कल गया था, तो क्या हुआ? बीत चुका है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस हो जाएगा। मैं आज आया हूँ, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। जिस समय की बात होती है, तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, और जब बात बीत जाती है, वो हमारा हो जाता है पास्ट टेंस। जैसे मैं कल स्कूल गया था, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो बीत गया ना, तो वो क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका? फ्यूचर टेंस। व्हेन द वर्ब शो फ्यूचर टाइम, इट सेड टू बी फ्यूचर टेंस। व्हेन द वर्ब शो फ्यूचर टाइम, इट इज सेड टू बी फ्यूचर टेंस।
जब हम लोग आने वाले समय की बात करते हैं, जब हम लोग आने वाले समय की बात करते हैं तो वो हमारा फ्यूचर टेंस हो जाता है। ओके, जब हम लोग आने वाले समय की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, फ्यूचर टेंस हो जाता है। इसमें क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, अक्सर हम लोग विल, शैल या विल बी, शैल बी का यूज करते हैं। ओके, प्रेजेंट टेंस में क्या था, जो अभी चल रहा है उसकी बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। पास्ट टेंस में क्या था, जो चीज़ बीत चुका हो, जो चीज़ बीत चुका हो उस चीज़ की बात करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। फ्यूचर टेंस जो आने वाला हो, जो आने वाला हो वो क्या हो जाता है हमारा, फ्यूचर टेंस। जैसे हम बोल सकते कल मैं स्कूल जाऊँगी, कल मैं स्कूल जाऊँगी, तो अभी गया नहीं है, वो आने वाला है, तो वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस। जब मैं बोलूँगी कि मैं कल स्कूल गई थी तो वो क्या हो जाएगा, मतलब वो बीत गया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस। आज मैं स्कूल में आई हूँ तो वो मैं अभी आई हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ओके, आज हम लोग क्या पढ़े हैं, आज हम लोग पढ़े हैं वर्ब के बारे में और टेंस ऑफ वर्ब के बारे में पढ़े हैं। वर्ब क्या होता है, कोई भी काम करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। जो कोई भी पर्सन काम कर रहा है, कोई भी एनिमल काम कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा। जैसे हम लोग अभी देखे थे एग्जांपल, जो गाय थी वो घास को खा रही थी, तो वो क्या कर रही थी, खाने का काम कर रही थी। लड़की पढ़ने का काम कर रही थी। जो हम लोग पढ़, जो काम होता है वो हमारा वर्ब होता है, वर्ब इज डूइंग, वर्ब भी बोल सकते हैं इसका डिफिनेशन। फिर टेंस ऑफ वर्ब हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, टेंस ऑफ वर्ब। टेंस ऑफ वर्ब को भी हम लोग कितने पार्ट्स में बांटेंगे, तीन पार्ट्स में बांटे थे। कौन कौन से, हम लोग का है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो काम हम लोग कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस होगा। पास्ट टेंस जो काम बीत चुका हो वो हमारा पास्ट टेंस होगा, और जो आने वाला टाइम हो वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।